नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। रुक करते हैं प्रमुख खबर की ओर। मंदिर से घंटी चुराने वाले दो लोगों को ग्रामीणों ने ऐसा सबक सिखाया कि दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे। बढ़िया मिल के चोरों है, उसे पकड़ा के घरेज में गाय आनंद जाए, जरूरत नहीं पड़ी। बढ़िया जाए काम गाय निपट गई, बोला सजा उजा उठा गाँव के पुलिस कचहरी पर भार दिए बगैर ग्रामीणों ने ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। पूरा मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र के कौसला गांव का है, जहां गांव के बाहर शनिदेव की मंदिर है, जहां घंटी लगी हुई थी। घंटी को किसी ने पार कर दिया, तभी यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। इसी बीच ग्रामीणों को पता लगा कि गांव के दो लोगों ने घंटी की चोरी की है। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की, तब दोनों ने घंटी चुराना स्वीकार कर लिया। उनके कब्जे से दो घंटी भी बरामद हुई। इस दौरान मामले को पुलिस में देने के बजाय ग्रामीणों ने खुद से निपटने का फैसला किया। उन्होंने चोरों के गले में घंटी बांधकर दोनों को पूरे गांव में घुमाया। दोनों के गले में घंटी बांधकर गांव के हर चौक चौराहों पर घुमाया गया, ताकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो। दोनों को ऐसी घटना भविष्य में कभी नहीं करने की सख्त हिदायत देते हुए उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया गया। स्वागत जिंदगी के लिए प्रवीण उपाध्याय के साथ कैलाश कश्यप की रिपोर्ट। ऐसी प्रमुख खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। नमस्कार। सुबह 5 बजे हम लोग आए घर से, तो सब आदमी यहाँ पर था। लोग सब बोले कि घंटी चोरी हो गया, तो घंटी देखने लगे तो घंटी नहीं था, शनिदेव का भी नहीं था, और इधर बजरंग बली का भी नहीं था। तो इसको आसपास में देखे, कहीं कोई फेंक दिया होगा करके, तो यहाँ कहीं भी नहर के आसपास में नहीं मिला। तो सुराग कुछ देखे कि कुछ तो होगा ये इधर, तो घंटी को तोड़ने के लिए उसने किया, तो उसके पॉकेट से गांजा का पुड़िया नीचे गिर गया था। और जो चोर है मनोज साहू विनोद यादव, वो दोनों लड़के इधर बैठा था। बहुत पहले तो बता ही नहीं रहा था कि घंटी हम लोग चुराए हैं करके, लेकिन उनको बोले कि पैसा के प्रलोभन दिए कि, तो अंत में वो लोग बताए कि घंटी हम ही लोग चुराए हैं। वो ये लोग को, अब दोनों जने गरीब आदमी है, तो हम लोग सोचे कि थाना में रिपोर्ट करेंगे तो ये लोग परेशान हो जाएंगे, और ऊपर से गांव का बेइज्जती भी होगा। इससे अच्छा थाना में रिपोर्ट नहीं करके हम लोग बोले इनको कि देखो भाई, दोनों जने अपने अपने गले में घंटी बांधो, और बांध के तो दोनों जने को 5 बार उठ बैठ करवाए, और उसके बाद फिर दोनों जने को कसम दिलवाए कि आज के बाद चोरी नहीं करेंगे करके, और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिए।